बहुत सारी कॉइन एग्जीबिशंस लगने वाली है 2022 के इन लास्ट के दो महीनों में, यानी कि नवंबर और दिसंबर में। और ये कोई एक दो कॉइन एग्जीबिशंस नहीं है, पूरी 7 एग्जीबिशंस है जो कि लगने वाली है इंडिया के अलग अलग रीजन्स में। तो आप सभी इन कॉइन एग्जीबिशंस में जा सकते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इन कॉइन एग्जीबिशंस की कंप्लीट डिटेल्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, बहुत सारी एग्जीबिशंस होने वाली है नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में। तो इन सभी एग्जीबिशंस की डिटेल्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं इंडियन कॉइन्स पे बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जिस कॉइन एग्जीबिशन की मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, ये हो रही है इसी वीकेंड, यानी कि ये चल रही है 11 नवंबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक, यानी कि फ्राइडे से संडे तक। इस कॉइन एग्जीबिशन का नाम है कैंपेक्स 2022 और ये हो रही है कन्नूर केरला में। ये एक ऑल इंडिया फिलैटलिक एंड न्यूमिस्मेटिक एग्जीबिशन है, यानी कि इस एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स और डिफरेंट स्टैंप्स देखने को मिलेंगे। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कराता है कैननोर फिलैटलिक क्लब। इस एग्जीबिशन का जो वेन्यू है वो है ईके नैनार एकेडमी हॉल, बर्नसरी, कन्नूर, केरला में। तो आप सभी जो लोग केरला के आसपास रहते हैं वो इस कॉइन एग्जीबिशन में जा सकते हैं, यहाँ की एंट्री फ्री है। और इसकी जो टाइमिंग्स है तीनों दिन वो है 10 AM to 6 PM। तो जो लोग इस एग्जीबिशन में जाना चाहते हैं वो जल्दी जाएं, क्योंकि संडे तक ये एग्जीबिशन चलने वाली है। नेक्स्ट जिस कॉइन एग्जीबिशन की हम बात करने वाले हैं वो होने वाली है नॉर्थ में। इस एग्जीबिशन का नाम है दिल्ली रंग फेयर 2022। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि ये एग्जीबिशन दिल्ली में होने वाली है। इस एग्जीबिशन में आपको कॉइन्स, करेंसी नोट्स, स्टैंप्स और अदर एंटीक आइटम्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी, जिसकी फुल फॉर्म होती है रंग, जहां से इस कॉइन एग्जीबिशन का नाम पड़ा, यानी कि रंग फेयर 2022। इस कॉइन एग्जीबिशन की डेट और टाइमिंग्स की मैं बात करूं तो यहां पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले तक दिल्ली रंग फेयर 2022 का जो डेट डिसाइडेड थी वो 11 से 13 नवंबर 2022 थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है, क्योंकि जिस वेन्यू में ये इवेंट होने वाला था वहां पे कुछ और डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया है गवर्नमेंट का। तो इस वजह से ये डेट्स चेंज हो गई हैं और ये डेट्स अब हो गई हैं 13 नवंबर से 15 नवंबर 2022, यानी कि अब ये संडे, मंडे और ट्यूसडे को चलने वाली है। तो जिन लोगों के पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन थी कि रंग फेयर इस वीकेंड होने वाला है, उन्हें मैं बता देता हूं कि ये अब संडे, मंडे और ट्यूसडे को होगा। इस एग्जीबिशन की एंट्री भी फ्री है। इसकी जो टाइमिंग्स है वो है 10 AM to 7 PM। ये जो कॉइन एग्जीबिशन होती है काफी बड़ी एग्जीबिशन होती है, यहाँ पे काफी सारे स्टॉल्स होते हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो वेन्यू की अगर हम बात करें, रंग फेयर कॉइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है NDMC कन्वेंशन सेंटर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में, जो कि पार्क होटल के नजदीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तीसरी कॉइन एग्जीबिशन जिसकी हम बात करने वाले हैं ये होने वाली है हैदराबाद में। इस कॉइन एग्जीबिशन का नाम है हाइपेक्स डायमंड 2022। आज से पहले तक इस एग्जीबिशन को हाइपेक्स ही कहते थे, लेकिन इस बार डायमंड शब्द इसके साथ जुड़ गया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द हैदराबाद फिलैटलिक एंड हॉबी सोसाइटी, जो कि रजिस्टर हुई थी 1962 में, यानी कि 2022 में इस सोसाइटी को पूरे 50 साल हो गए हैं, यानी कि डायमंड जुबली। इसलिए इसका नाम हाइपेक्स डायमंड 2022 रखा गया है। इस कॉइन एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे कॉइन्स, बैंक नोट, स्टैंप्स, अदर एंटिक आइटम्स और बहुत सारी हॉबी की आइटम्स के स्टॉल्स देखने को मिलेंगे। डेट की अगर हम बात करें तो ये जो एग्जीबिशन है ये होने वाली है 19 से 21 नवंबर, यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे। और इसकी जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी 10 AM to 7 PM और एंट्री इस कॉइन एग्जीबिशन की भी एकदम फ्री है। तो इस एग्जीबिशन के वेन्यू की अगर हम बात करें तो वो है FTCCI प्रगति प्रिंटर्स लेन, रेड हिल्स, हैदराबाद। तो आप सभी इसे नोट कर सकते हैं और जो लोग हैदराबाद के आसपास हैं और कॉइन से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं वो ज़रूर इस एग्जीबिशन में जाएं। तो अभी तक की ये जो तीन एग्जीबिशंस थी ये तीनों एग्जीबिशंस थी नवंबर मंथ की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जीबिशंस में, जो कि होने वाली है दिसंबर मंथ में।
तो सबसे पहली जो एग्जीबिशन है वो है 8th CoinEx मुंबई 2022, यानी कि ये एग्जीबिशन मुंबई में होने वाली है। इस एग्जीबिशन की जो डेट है वो है 2nd से 4th दिसंबर, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस एग्जीबिशन में आपको कॉइन्स, बैंक नोट्स के साथ साथ मेडल्स भी देखने को मिलते हैं। इस एग्जीबिशन के वेन्यू की अगर हम बात करें तो वो है सुंदरबाई हॉल, चर्च गेट, मुंबई में। इस एग्जीबिशन की भी एंट्री फ्री है। अब दिसंबर महीने में जो दूसरी एग्जीबिशन होने वाली है वो है कोटा मुद्रा उत्सव 2022। ये होने वाली है कोटा, राजस्थान में। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करती है कोटा फिलैटली एंड न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, और इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलते हैं कॉइन्स, बैंक नोट्स और स्टैंप्स। डेट की अगर हम बात करें तो ध्यान दें, ये जो एग्जीबिशन है ये चलने वाली है सिर्फ 2 दिन, और इसकी जो डेट्स हैं वो है 17 से 18 दिसंबर, जो कि सैटरडे और संडे है। इस एग्जीबिशन की जो टाइमिंग्स हैं वो है 10 AM to 6 PM, और एंट्री इस एग्जीबिशन की भी एकदम फ्री है। वेन्यू की अगर हम बात करें तो इस कोटा मुद्रा उत्सव का जो वेन्यू है वो है रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ, 4 वसंत विहार, नियर डॉक्टर पारेख हॉस्पिटल, कोटा, राजस्थान। तो आप सभी इसे नोट कर सकते हैं, और जो लोग कोटा के हैं वो इस एग्जीबिशन को जरूर अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कॉइन एग्जीबिशन होने वाली है कॉइन के गढ़ में, यानी कि कोलकाता में। इस कॉइन एग्जीबिशन का नाम है मुद्रा उत्सव 2022। इस कॉइन एग्जीबिशन को नाम दिया गया है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कॉइन एग्जीबिशन, क्योंकि इस कॉइन एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता जॉइंटली विद नेपाल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी। इस एग्जीबिशन में आपको बहुत सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, कॉइन्स, बैंक नोट, स्टैंप्स, टोकन्स, मेडल्स और भी बहुत सारी एंटीक आइटम्स से रिलेटेड। ये जो एग्जीबिशन है ये होने वाली है 23 से 25 दिसंबर, जो कि है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और इसकी जो टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेंगी 11 AM to 6 PM। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि इस कॉइन एग्जीबिशन में कॉइन्स और बैंक नोट्स के स्टॉल्स के साथ साथ अच्छे बड़े ऑक्शन हाउस के ऑक्शंस भी होने वाले हैं, जैसे कि क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी, ओसवाल एंटिक्स और विरासत ऑक्शन जैसे ऑक्शन हाउसेस। तो इस एग्जीबिशन का एड्रेस भी आप सभी नोट कर सकते हैं, यह है हल्दीराम बैंकट हॉल, बालेगंज पार्क, कोलकाता। अब इसके बाद जो दूसरी एग्जीबिशन जिसकी हम बात करने वाले हैं ये भी बाय चांस होने वाली है 23 से 25 दिसंबर 2022 को, यानी कि जिस टाइम कोलकाता में मुद्रा उत्सव होने वाला है उस टाइम ये एग्जीबिशन भी होने वाली है। ये एग्जीबिशन है CoinEx पुणे 2022, यानी कि ये कॉइन एग्जीबिशन पुणे में होने वाली है, बस इतना सा फर्क है। तो 23 और 25 दिसंबर में जो लोग कोलकाता के पास हैं वो कोलकाता की मुद्रा उत्सव में जा सकते हैं, और जो लोग महाराष्ट्र में हैं या पुणे के पास हैं वो CoinEx पुणे अटेंड कर सकते हैं। CoinEx पुणे को ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल कलेक्टर सोसाइटी ऑफ रेयर आइटम्स। इस एग्जीबिशन के वेन्यू की अगर हम बात करें तो वो है सोनल हॉल, करवे रोड, पुणे, महाराष्ट्र। इस कॉइन एग्जीबिशन की एंट्री भी एकदम फ्री है, और इसकी टाइमिंग्स भी 10 AM to 6 PM है। अब ये तो हुई कॉइन एग्जीबिशंस की बात, अब बताने वाला हूँ कॉइन एग्जीबिशन से रिलेटेड आप सभी को बहुत सी जरूरी बातें जिनका आप सभी को ध्यान रखना है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉइन एग्जीबिशन में सिर्फ सिक्कों को बेचने के मकसद से नहीं जाना है, क्योंकि जिन्होंने सिक्के बेचने हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टॉल बुक करके बैठे हैं, ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पर फीस दी है, ऑलरेडी वो पूरी तैयारी के साथ वहां पे आए हैं, यानी कि उन्हें पता है कि सिक्कों बेचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि एग्जीबिशन में ऐसे ही चले गए कुछ सिक्के लेके, कोई भी सिक्के आपके देख लेगा और कोई भी उनके आपको अच्छे खासे पैसे दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉल लगा के यहाँ पे सिक्के बेचने के लिए बैठे होते हैं उन्होंने अपने कलेक्शन को काफी टाइम से अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, जिसे वो वहां पे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसकी उनको अच्छे से नॉलेज होती है, वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सा उनका सिक्का रेयर सिक्का है, कौन सा कॉमन, कौन सा सिक्का बिक सकता है और कौन सा सिक्का नहीं। फिर जाके लोग न्यूमिस्मेटिस्ट कलेक्टर्स उनके स्टॉल्स पे आते हैं, सिक्के फिर छांटते हैं, फिर देखते हैं उनकी रिक्वायरमेंट का सिक्का कौन सा है, फिर जाके सिक्के बिकते हैं। तो ये है सिक्के बिकने का प्रोसेस, ना कि आप कुछ भी सिक्के लेके जाएं और एक्सपेक्ट करें कि वो सिक्के बिक जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें इस माइंडसेट के साथ ना जाएं कि थैला भर के कुछ भी कॉमन सिक्के लेके हम वहां जा रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी हमारे सारे सिक्के देख लेगा और उसमें से ढूंढ के निकालेगा कि कौन सा सिक्का रेयर सिक्का है और फिर खरीद लेगा और फिर आपको पैसे देगा। इतनी सारी मेहनत कोई क्यों करेगा आपके लिए? तो सबसे पहले सिक्कों की नॉलेज आपको खुद को होनी चाहिए। तो एग्जीबिशन में अगर आप जा रहे हैं तो न्यूमिस्मेटिक फील्ड को सीखने के पर्सपेक्टिव से जाएं, देखें कि एक्चुअल में कौन से सिक्के बिकते हैं, ऑब्जर्व करें कि कौन से सिक्के रेयर होते हैं, कौन से कॉमन होते हैं, कैसे सिक्के असली सिक्के होते हैं, कैसे सिक्के नकली सिक्के होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लर्निंग आप कॉइन एग्जीबिशन से सीख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बिना नॉलेज के सिक्के ना परचेज करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा सिक्का असली सिक्का होता है, कैसा सिक्का नकली सिक्का है, जो आप सिक्का खरीद रहे हैं क्या आप उसे सही प्राइस पे खरीद रहे हैं, क्या वो सिक्का सच में रेयर सिक्का है। तो जब तक आपको ये सभी नॉलेज नहीं है तब तक अपना जो पैसा है वो सिक्कों पे इन्वेस्ट ना करें।
जब आपको सिक्कों की अच्छी नॉलेज हो जाती है उसके बाद ही सिक्कों पे इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही सिक्कों को बेचने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सच में आप में से कुछ कलेक्टर्स बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनकी कलेक्शन में सच में कुछ बहुत ही रेयर कॉइन्स हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 रुपी क्रॉप साइंस 1996, 1957 और 1959 के 50 पैसे कॉइन्स, 1982 का 6 grams 1 rupee कॉपर निकल कॉइन, अगर ऐसे कॉइन्स आपके कलेक्शन में हैं तो ज़रूर इन्हें लेके आप एग्जीबिशन में जा सकते हैं, डीलर्स को इन्हें ऑफर कर सकते हैं, उन्हें भी समझ आएगा कि आप जो ऑफर कर रहे हैं वो सच में रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं। तो ऐसे कॉइन्स के लिए मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको किसी न किसी डीलर से कुछ ऑफर तो मिल ही जाएगा, बस मैटर यहाँ पे ये करता है कि वो प्राइस जो आपको ऑफर करते हैं क्या आपको उस प्राइस पे बेचना है या फिर नहीं। क्योंकि कॉइन एग्जीबिशन में अक्सर ऐसा होता है कि डीलर जो प्राइस आपको ऑफर करते हैं, अगर आपके पास बाई चांस कोई बहुत अच्छा रेयर सिक्का है, वो मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने इससे बिजनेस ही करना है, अल्टीमेटली आपका कॉइन परचेज करके उन्होंने फर्दर उसको सेल ही करना है और उस पर प्रॉफिट अर्न करना है। तो कंपैरेटिवली जो आपको प्राइस यहाँ पे मिलेगा वो उसके मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम होगा। बाकी कॉइन एग्जीबिशंस में बहुत सारी अच्छी बुक्स मिलती हैं जो शायद आपको किसी लाइब्रेरीज या फिर बुक्स की शॉप्स में देखने को ना मिले, तो यहाँ पे आप अच्छे से एग्जीबिशंस में बुक्स को सर्च कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉइन बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉइन एग्जीबिशन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच लेके जा रहे हैं कि सिक्के बेचने हैं यहाँ से हम अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी व्यूअर्स के लिए, इन सभी एग्जीबिशंस में से एक एग्जीबिशन जो कि नई दिल्ली में होने वाली है यानी कि रंग फेयर 2022, इस एग्जीबिशन के किसी एक दिन मैं इस एग्जीबिशन को शायद अटेंड करूंगा अगर मुझे ऑफिस से टाइम मिलता है, क्योंकि जैसा कि एग्जीबिशन पहले वीकेंड में होने वाली थी अब ये वर्किंग डेज में है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि एक दिन मैं इस एग्जीबिशन में आऊं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर बाई चांस वो मुझे एग्जीबिशन में मिलते हैं तो प्लीज़ हम क्राउड इकट्ठा ना करें, यहाँ पे हम जनरली अच्छे से ग्रीट कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं, हेलो हाय कर सकते हैं, लेकिन हम क्राउड इकट्ठा नहीं करेंगे। तो इस एग्जीबिशन को सीखने के पर्सपेक्टिव से जाएं, यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉइन्स परचेज करें जो आपकी कलेक्शन में नहीं है, उस हिसाब से इस कॉइन एग्जीबिशन को अटेंड करें। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो जो कॉइन एग्जीबिशन आप अटेंड करते हैं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो कैसा लगा आप सभी को कॉइन एग्जीबिशन से रिलेटेड ये डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और हाँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कॉइन एग्जीबिशन से रिलेटेड ये डिटेल्स सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं जल्दी अपलोड करूंगा एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड जय हिंद।